फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कच्ची कैरी की लस्सी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दही की लस्सी तो हम रोज गर्मी के दिनों में बना के पीते ही हैं, पर आज हम कुछ नया करेंगे और कच्ची कैरी की लस्सी बनाएंगे। इसके इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप मुझे मेरे चैनल संगीता विश्वरूप पर सब्सक्राइब करें। आइए अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कैरी, थोड़ी सी मलाई, शक्कर, यह हमने हरी इलायची को बारीक पीस लिया है थोड़ी सी शक्कर डालकर, थोड़ा सा गुलाब जल, एक ग्लास दूध और थोड़ा पानी। कैरी की लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले हम कैरी को धोकर प्रेशर कुकर में थोड़ा पानी डाल के उबालेंगे। 3 से 4 सीटी लेंगे हम। इसको अच्छी तरह हमें उबालना है। यह हमने कैरी को उबाल के ठंडा करके रखा हुआ है। इस तरह से कैरी उबल जाएगी। अब हम इसका पल्प बनाएंगे। अब ये कैरी ठंडी हो गई है। अब हम इसका छिलका हटा के और इसका हम पल्प निकालेंगे। इस तरह से थोड़ा सा पानी है इसमें कैरी का, इसी के साथ हम इसका पल्प निकाल लेंगे। इस तरह से अंदर से पूरी गुठली साफ होकर निकल जाएगी। ये हमारा एक कैरी का हमने पल्प निकाला है। अब हम इसे मिक्सर जार में लेंगे। ये जो थोड़ा पानी था कैरी का, वो भी हमने साथ में ले लिया है इसके। अब हम इसे थोड़ा ब्लेंड करेंगे मिक्सर में। ये इस तरह से इसे थोड़ा, ये हमने पीस लिया है कैरी को। इस तरह से ये हमारा पीस गया है, अच्छी तरह से ब्लेंड हो गई है कैरी। अब हम इस पल्प को इसमें आइस ट्रे में भरेंगे हम इसमें, और इसके क्यूब्स बनाएंगे। जिस तरह हम पानी के क्यूब्स बनाते हैं आइस ट्रे में, इसी तरह से ये जो कैरी का पल्प है हमने ब्लेंड किया हुआ है, इसके हम क्यूब्स बनाएंगे। ये करके और टैप कर देंगे। अब ये हमें 7-8 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रखेंगे। ये प्रोसेस हम एक दिन पहले भी करके रख सकते हैं, और जब भी हमें लस्सी बनानी हो, कोई मेहमान आए हो, तो हम तुरंत ये क्यूब निकालकर कैरी की लस्सी बना सकते हैं। अभी हम इसे डीप फ्रीज करते हैं। ये हमने कैरी का पल्प को क्यूब बना के रख लिया है एक दिन पहले ही। अब हम इसके क्यूब निकालेंगे। इस तरह से ये आसानी से क्यूब निकल जाते हैं। इस तरह हम इसके क्यूब्स निकालेंगे। अब हम इस क्यूब को ये हमारे जूसर जार में लेंगे, लस्सी बनाएंगे। अब हम इसके पहले ये क्यूब्स डालेंगे हम इसमें। 4 से 5 क्यूब लिए हैं इसमें। ये हम लगभग 200 ml दूध है, ये हम इसमें डालेंगे। साथ में हम डालेंगे थोड़ी शक्कर, 50 से 60 ग्राम शक्कर इसमें हम अंदाज से इसमें डाल रहे हैं। इतनी शक्कर इसमें जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मलाई। दूध को ठंडा करने के बाद जो घर में मलाई बनती है, वही मलाई हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ये 2 चम्मच हमने मलाई डाली है। थोड़ा सा इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, और अब हम इसमें डालेंगे गुलाब जल 1 चम्मच। गुलाब जल हम इसमें डालते हैं, और सबको हम मिक्सर जार में पीसेंगे। अब हम इसे मिक्सर जार में चलाएंगे और हमारी स्वादिष्ट लस्सी तैयार होगी। मैंने इसे मिक्सर जार में 1 मिनट के लिए अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। शक्कर भी घुल गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये हमारी स्वादिष्ट कच्ची कैरी की लस्सी तैयार है।
यदि कैरी का पल्प हमें रेडी रख दिया है तो हम इसको इंस्टेंट सर्व कर सकते हैं और कोई भी मेहमान आए तो तुरंत उनको दे सकते हैं और कोई मेहमान इसकी तारीफ किए बिना रहेंगे नहीं, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। तो मैंने इसे कच्ची कैरी से गार्निश किया है। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मुझे मेरे चैनल संगीता विश्वरूप पर अवश्य सब्सक्राइब करें। तो मुझे इसका